स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। आज अपना टॉपिक है कैलोरीमीटर, तो उसका हम कुछ प्री रिक्वेस्टेड जो कंसेप्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद हम कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो आइए, कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री है, इट्स ए ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यानी कि कैलोरीमेट्री के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफ़र के रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, और साथ ही साथ डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, यानी कि जिसमें हीट का मेजरमेंट करना हम सीखते हैं कि कितना एनर्जी कितना नहीं है। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया कि कैलोरीमेट्री जहाँ भी आएगा, कैलोरीमेट्री जहाँ पर भी है वहाँ पर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करना चाहेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र की बात करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है टेम्परेचर डिफरेंस होना, तो वो हमने अब तक पढ़ लिया है। अब उसके आगे कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए, आइए, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर है ये 5 या फिर 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफ़र को पढ़ लेते हैं कि कैलोरीमेट्री कहती है कि हीट ट्रांसफ़र अगर है तो कैलोरीमेट्री की चर्चा हो सकती है। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है कि हीट ट्रांसफ़र क्या है, कि वेन एवर टू ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट टेम्परेचर, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन, एक ऑब्जेक्ट टू है, ठीक, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका है 27 डिग्री सेल्सियस। ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, ठीक। तो हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ही होगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक। ये हुई टेम्परेचर की बात। तो अगला जो हीट है, जब भी किसी बॉडी में जाएगा, यानी कि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुआ उस ऑब्जेक्ट में पहुँचा, तो वहाँ पर ये एनर्जी स्टोर्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि हीट एनर्जी इन ए बॉडी हीट इज स्टोर्ड एज इंटरनल एनर्जी, यानी कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी बॉडी के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इतना हीट है, हीट नहीं कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। ओके, चलिए, अब जैसे यहां से कुछ हीट ट्रांसफर हुई, ये हीट यहां पहुंची क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, तो रिसीविंग बॉडी कौन है, ये। सो वंस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, देन रिसीविंग बॉडी के पास जो एनर्जी पहुंचा वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मा वगैरह लिखिए कि क्या क्या है, ये क्या नहीं है। ओके, सो वंस हीट इज ट्रांसफर्ड इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिसीविंग बॉडी। वंस हीट इज ट्रांसफर्ड इट विल बी कंसिडर्ड एज ए इंटरनल एनर्जी फॉर रिसीविंग बॉडी, इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल एनर्जी फॉर रिसीविंग बॉडी। क्या बात है कि नहीं, ऐसी भी कोई एनर्जी हो सकती है इंटरनल नाम की भी, इसके बारे में अधिक चर्चा भी होगी इंटरनल एनर्जी के बारे में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, अभी केवल हाँ कि हाँ इसे इंटरनल एनर्जी कहा गया है, करेक्ट। चलिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि हीट के रिलेटेड छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो क्लियर कट करते हैं। तो क्लियर कट ऐसे करना है, पहली पॉइंट यह है कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दूसरा, हीट जब भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो हीट ट्रांसफ़र की बात करना मीनिंगफुल है, लेकिन हीट ऑफ ए बॉडी ये मीनिंगलेस है, हीट ऑफ ए बॉडी इज मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होना ये मीनिंगफुल दर्शाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि एनर्जी ट्रांसलेट होता है, ठीक है। जबकि हीट स्टोर क्या है, हीट स्टोर की बात की नहीं जा सकती क्योंकि वो स्टोर होता है किसकी तरह, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो हीट ट्रांसफर इज मीनिंगफुल वर्ड, और हीट ऑफ ए बॉडी और हीट इन ए बॉडी ये मीनिंगलेस है, ठीक है।
चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट जो है वो क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर एनर्जी की फॉर्म है तो क्या करें? हीट एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी है तो बताओ डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा इसका जो वर्क डन का है, जो एनर्जी का है, m1 l2 t-2। करेक्ट। हीट कहो या एनर्जी कहो या फिर हीट एनर्जी कहो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इसका जूल है। SI यूनिट क्या है? जूल है। ओके। अब दूसरा एक आता है, हम प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज करते हैं यूनिट, वो कौन सी? उसे प्रैक्टिकल यूनिट भी कह सकते हैं, SI, है ना। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? कि जूल की जगह हम कैलोरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैलोरी। कैलोरी सुना होगा, जब मैगी वाला पैकेट लाते हैं 2 मिनट मैगी, तो उसमें लिखा होता है इतना कैलोरी। कंटेंट देखना, पीछे लिखा होता है कैलोरी में इतना एनर्जी मिलेगा। चलिए अब तो एक तो हुआ कैलोरी, एक हुआ जूल। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है क्या? 1 कैलोरी इज इक्वल टू, सी स्मॉल है, बड़ा मत लिखना है, क्यों नहीं लिखना है वो भी बताएंगे। 4.86 जूल, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये रिलेशन है, बस याद रखना कैसे क्या आता है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1 कैलोरी क्या है। ये 1 कैलोरी क्या है? अगर एक ब्रेड खा लोगे तो वो 1 कैलोरी है क्या? नहीं, नहीं पता, अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा है कि नहीं। तो 1 कैलोरी, डेफिनेशन ऑफ ए यूनिट कैलोरी और ए 1 कैलोरी। तो ध्यान से देखो, लेट सपोज वी आर हैविंग ए 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी लाए, इतना कम, इसमें तो चुल्लू भर पानी भी इससे कम होगा है कि नहीं। चलिए तो 1 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर को मैंने ऐसे दिखा सकते हैं। ओके। अब इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस मान लिया, माना है एग्जांपल। ओके। मैंने क्या किया, इसी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने डिग्री सेल्सियस से? 1 से। पहले कितना था? 14, अब कितना हो गया? अब उतना ही पानी है लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। वाह वाह, जादूगर बन गया है कि नहीं, बैठे बैठे 14 से 15 हो गया। तो मैंने 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कर दिया। तो अब पता क्या, डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन ये है, 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज 1 कैलोरी। ठीक है, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देखो डेफिनेशन रटना ही नहीं था, सीधा सा है, 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जितनी हीट चाहिए वही क्या है? 1 कैलोरी। इसके लिए जितनी हीट चाहिए वही क्या है? 1 कैलोरी। ठीक है। ओके। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज 1 कैलोरी। ठीक, लिखिए। अब एयर कंडीशन वगैरह जो होती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे आगे जा करके, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे यहाँ ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है उसका कहानी देखते हैं। एयर कंडीशन वगैरह के लिए ये कैलोरी वगैरह यूज नहीं होता है, कई बार उनके लिए अलग ही टर्म यूज होता है, कैलोरी जूल नहीं यूज होता। क्या होता है देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो इसके लिए एक तो है जूल, जूल है SI यूनिट। लेकिन SI के अलावा एक और यूनिट हम यूज कर रहे हैं फॉर और एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इसी में करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट में। ठीक है, चलिए। तो इसमें कौन कौन सी यूनिट आती है? इसमें आती है अभी जो अपने काम की है, वो है एक तो कैलोरी वाली, एक इसकी यूनिट होती है कैलोरी, स्मॉल सी है ये। ठीक है। दूसरा होता है BTU,
ये इंपॉर्टेंट, क्या कैलोरी क्या है, कैलोरी तो कैलोरी है ना, बी टी यू। तो वन कैलोरी हमने देखा डेफिनेशन क्या था, वन कैलोरी का मतलब था कि वन ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो, एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो तो जो हीट चाहिए वही क्या है, वन कैलोरी। अब BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये CGS है, ग्राम है ना, वो FPS है, कौन सा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और एयर कंडीशन वगैरह के कंसेप्ट जो समझाए जाते हैं वो इसी यूनिट में खास तौर पे समझाए जाते हैं। देखिए कैसे, इसका कहना है कि आप वन पाउंड ऑफ वाटर लो, क्या लें, वन पाउंड, पाउंड समझते हो, वन पाउंड ऑफ वाटर, वन पाउंड का मतलब होता है अराउंड हाफ केजी, है ना, आधा किलो। वन पाउंड ऑफ वाटर लिया, उसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो तो जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या कहेंगे, वन BTU कहेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी इज वन BTU। आसान था, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर 63 डिग्री फारेनहाइट है, अब यहां पर फारेनहाइट यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 64 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि BTU को ब्रिटिश थर्मल यूनिट को डिफाइन करने के लिए फारेनहाइट में यूज करते हैं टेम्परेचर, और मास पाउंड में होता है, तो ये FPS है, ये CGS है, ओके, और वह जो बच गया अपना MKS है, यानी कि SI वाला, ठीक है। ये होने के बाद अगला अपना आता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो आपने खाते वक्त तो ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन यहां देना पड़ेगा, क्या, एक होता है कैलोरी विद द कैपिटल सी और एक होता है कैलोरी विदाउट कैपिटल सी, मतलब छोटा सी है ना, छोटा डोंट सुना है, छोटा सी भी है, क्या कि एनर्जी है, एक इसमें लिखते हैं कैलोरी विद स्मॉल सी, एक इसमें एनर्जी लिखते हैं विद कैपिटल सी, तो विद कैपिटल सी, विद कैपिटल सी कुछ नया है, ये तो वही है जब तक हम पढ़ रहे थे, जूल कैलोरी। इसका मतलब क्या है, ये जो वाली कैलोरी यानी कि विद कैपिटल सी के साथ जो कैलोरी आती है इसको हम यूज करते हैं फॉर न्यूट्रिशंस, फॉर न्यूट्रिशन, जैसे बिस्किट है, पार्ले जी है, 20-20 जो भी बिस्किट वगैरह कुछ भी है खाने का, फूड कंटेंट, तो ये जो है बड़ा वाला सी, इट्स रिप्रेजेंट द एनर्जी वैल्यू फॉर फूड कंटेंट, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उन पर जो हम कैलोरी दिखाते हैं वो कैपिटल सी वाले कैलोरी से दिखाते हैं, कई बार छोटे सी भी दिखाते हैं, तो उसका क्या रोल है, देखिए वन कैलोरी बड़ा सी, इसका रिलेशन है छोटे सी के साथ यानी छोटी वाली कैलोरी के साथ 10^3 कैलोरी, यानी कि जैसे सपोज मैगी का पैकेट है अपने पास, पीछे लिखा है पीछे वाले पेज स्क्रीन पर उसकी, क्या कि 1000 कैलोरी स्मॉल सी, और किसी जगह लिखा होगा 1 कैलोरी, दोनों चीजें सेम है, क्यों, क्योंकि कैपिटल सी का मतलब क्या है, वो 10^3 कैलोरी के इक्वल है, ये स्मॉल सी है ना, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई सवाल नहीं बनना यहाँ से, लेकिन नोटेशन में देखकर कई बार फंसा भी सकता है कि फंसा दे तो बात गलत है, फंसना नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं तीन तरह की एनर्जी की, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से कुछ मज़ेदार बातें होगी। तो एक हम बात करना चाहेंगे हीट एनर्जी की, एक हम बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, दूसरी हम बात करना चाहेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। अभी मैं केवल एक ओवरव्यू दूंगा इन तीनों एनर्जीज का, ठीक है, मतलब क्या, जब भी हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, वोल्टेज और करंट है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहां पर, वोल्टेज और करंट है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहां पर, ठीक है, ये तो शायरी बन गई है कि नहीं, तो वोल्टेज और करंट, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। मैकेनिकल एनर्जी है वहां टॉर्क और रोटेशन है जहां, कौन कौन,
टॉर्क और रोटेशन है जहां। चलिए हीट एनर्जी में इतना समझो को जो हीट जनरेट कर दे, जब भी कहीं चारों ओर से धुआं उठने लग जाए तो वो हीट एनर्जी है, आसान भाषा में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। जो अपने घर में सप्लाई वगैरह आती है, वोल्टेज मिलता है, करंट मिलता है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कुछ ऐसा है जैसे फैन की हम बात करते हैं, पंखा जो घूमता रहता है दिन रात, जैसा ये ऐसा होता है, बीच में एक मोटर, इधर ये, इधर ये, इधर, ठीक। इसको सप्लाई मिलती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये स्विच बोर्ड, ठीक है। स्विच बोर्ड है तो वोल्टेज मिला और करंट मिला, वोल्टेज और करंट मिलने की वजह से ये घूमने लगा, ऐसे घूमने लगा, ऐसे घूमेगा या कैसे भी घूमेगा, कुल मिला के घूमेगा। जब भी घूमेगा दैट मीन्स रोटेशन, रोटेशन है मतलब कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। रोटेशन है मतलब कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। मैं चल रहा हूँ तो क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी है। आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये लेक्चर देख करके नोट्स बना रहे हैं, मतलब कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करना भी क्या है? इट्स ए मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का वर्क है, ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए तो कोई भी अगर आप काम करते हैं, रोटेशन करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, वो सभी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वर्क डन हुआ है तो मैकेनिकल एनर्जी होगा। वोल्टेज और करंट है तो इलेक्ट्रिकल है, और धुआं उड़ रहा है तो हीट है। चलिए अब हम बात करते हैं मोटर की। मोटर वगैरह आपने देखा होगा क्या, जैसे एक मोटर अपने पास, ओके, तो ये क्या करता है? ये मोटर वही है जो पानी खींचने के काम आती है ना। जैसे इतनी हाइट पर एक टंकी है, इतनी, जैसे यहाँ पर वाटर सप्लाई आता है, इस हाइट पर टैंक है अपना, इसे फिल अप करना है, तो यहाँ से यहाँ पर पाइप जाएगा लेकिन पानी पहुँचे नहीं पहुँचे गारंटी नहीं है। इट नीड्स प्रेशर, प्रेशर नीड है, तो क्या करेंगे? मोटर लगा देते हैं बीच में। मोटर क्या करता है? दम लगाता है और पहुँचा देता पानी। कैसे? देखिए मोटर आई, मोटर को हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं, है ना, एक पिन लगाते हैं प्लग में, स्विच ऑन किया, इसे मिला वोल्टेज और करंट, मतलब कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मोटर का जो आप साइड व्यू देखेंगे तो एक फैन होता है छोटा सा, वो रोटेट करने लगता है, ऐसे घूमता है, बात समझ आ रही है? रोटेशन, रोटेशन मतलब कौन सी एनर्जी आ गई उसके पास? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सप्लाई दोगे तभी वो घूमेगा, वरना नहीं। सप्लाई दोगे तभी वो घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। तो मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल में, ओके। जनरेटर, शादी विवाह में आपने देखा है कि जो जनरेटर वगैरह होते हैं उसे एक रस्सी से जैसे बांधा और ऐसे यूं खींचा, रोटेशन करवाया, ठीक है। तो जनरेटर को हम क्या करवाते हैं पहले? जनरेटर, इसको सबसे पहले हम देते हैं रोटेशन, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, घुमाते हैं इसे, धक्का देते हैं कि चल जावे, चल जा, तब जाकर के इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है, ठीक है। ये तो था क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कैसे? मैकेनिकल में, मैकेनिकल कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल में, बाय सम कन्वीनियंस और बाय सम असिस्टेंस, बाय सम डिवाइस, व्हाटएवर। लेकिन मुद्दा है हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का। क्या है ये मुद्दा देखते हैं। आपको पता है कि इतना हमने पढ़ लिया है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस आर में आई अमाउंट का करंट फ्लो होता है फॉर टाइम टी, 10 सेकंड के लिए मान लो फ्लो किया, मतलब टाइम कितना हो गया 10 सेकंड, तो उसमें हीट जनरेट होती है, चारों ओर से धुआं लगने लगता है कि नहीं? तो जो हीट जनरेट हुई है बच्चों, वो आउटपुट हीट जनरेट हुई है। तो देखो आपने इनपुट में क्या दिया? इलेक्ट्रिकल। आपने सप्लाई दी इलेक्ट्रिकल की, किसको दिया? रेजिस्टर को दिया। आउटपुट क्या मिला? हीट। चलिए हीट मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर देखा है कि नहीं? विंटर सीजन में जो हम काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर क्या करता है? अरे जब बहुत ज्यादा विंटर सीजन आ जाती है तो हीटर यूज करते हैं घर में,
ताकि वो चारों ओर क्या कर दे, हीट हीट फैला दे। तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है और हीट जनरेट करता है। माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, इन सम वे इट आल्सो प्रोड्यूसेस द हीट। चलिए ठीक है, ये तो अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हम हाथों को ऐसे रब करते हैं, व्हेन वी रब आवर हैंड विद वन टू अदर, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपको लगेगा कि हाँ हीट जनरेट होने लगी, कुछ गर्माहट फील होगी। यानी कि आपने ऐसे ऐसे किया, मतलब वर्क डन हुआ, वर्क डन है मतलब मैकेनिकल वर्क डन है, मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी से आपने कन्वर्ट क्या जनरेट किया, हीट जनरेट किया। ओके, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से भी हीट जनरेट की जा सकती है, मैकेनिकल एनर्जी से भी हीट जनरेट की जा सकती है, मैकेनिकल एनर्जी से भी हीट जनरेट की जा सकती है, लेकिन वो हीट जनरेट करवाया कौन, मैंने तो ऐसे ऐसे किया है कि नहीं और हीट जनरेट हो गई, कौन करवा रहा है। जब दो बॉडी टच होती है तो क्या लगता है, फ्रिक्शन, वेरी सिंपल है कि नहीं, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो गया था 18th या 9th में ऐसा कुछ रहा होगा। तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब या तो चलने लग जाए या घूमने लग जाए, दौड़ने लग जाए, है ना, और हीट का मतलब तो चारों ओर धुआं उड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करता है हीट इंजन। ये क्या है, ये आप जानते हैं, स्टीम इंजन का नाम सुना आपने, ऐसा छोटी क्लासेस में आता था जीके का क्वेश्चन, क्या कि हीट इंजन से स्टीम इंजन का किसने इन्वेंशन किया, कब किया था, ऐसा आता था। आज हम स्टीम इंजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या वो ये है कि इसका एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ हीट इंजन क्या है, स्टीम इंजन। और भाप से जो ट्रेन चलती है ना, स्टीम से जो ट्रेन चलती है वही क्या, स्टीम इंजन है, ठीक है, तो उसी का ट्रेन है। क्या होता है उस ट्रेन में, सिस्टम देखो, ट्रेन के अंदर एक रखा जाता है बॉयलर वाला सिस्टम, क्या रखते हैं, बॉयलर, ठीक है, या फिर ऐसे समझो मैंने एक टैंक लिया, टैंक में पानी, टैंक में क्या है, पानी है, उसको हीट देना स्टार्ट किया, मतलब बर्निंग की जा रही है, चलो बर्न कर रहे हैं उसे, ठीक है, तो बर्न किया तो उसे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ठीक है। तो हम दे क्या रहे हैं उसे, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब देखो जैसे ही इसे हीट मिलेगी तो ये क्या होगा, वाटर बॉयल करना स्टार्ट होगा, ठीक है, बॉयल करना स्टार्ट हुआ तब क्या होगा, स्टीम जनरेट होगी, ठीक है। अब ये स्टीम कहाँ भेजी जाती है, ये स्टीम एक सिलेंडर में भेजी जाती है, दिस स्टीम इज पासेस टू दिस सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, ये सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ये सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जैसे ये है, लेट मी शो यू, हाँ ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ पिस्टन, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऊपर और नीचे जाने के लिए उसे कोई प्रेशर भी तो देने वाला होना चाहिए, ठीक है, कौन देगा, इस स्टीम को यहाँ भेजा, स्टीम को यहाँ भेजा, तुम यहाँ जाओ, ठीक है, स्टीम यहाँ आएगी, स्टीम इसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, हाँ या ना, हाँ प्रेशर लगाएगी, इसकी वजह से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं पिस्टन। तो पिस्टन क्या करने लगता है, यहाँ था यहाँ चला गया, यानी कि गाड़ी आगे जाने लगेगी, तो इसी पिस्टन की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है और ये मोशन चलता रहता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ये था स्टीम इंजन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं पढ़ाया क्यों ये, ये इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि
हीट एनर्जी को ऐसा कहो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है कंप्लीटली, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसी हीट एनर्जी को अगर आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कंप्लीटली कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। उसका कुछ ही पोर्शन जो है हम काम में ले सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि मैकेनिकल एनर्जी को पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट एनर्जी को पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही सारे के एनर्जी लॉस हो जाते हैं। तो वैसा ही है ट्रेन में, हमने देखा भी स्टीम इंजन क्या होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं, कुछ गैस भापन के ऊपर भी उड़ जाती है, कुछ काम में नहीं आती है, बहुत ही चीज़ें। तो चलिए, तो ये तो पता चला, अब इसी के बेसिस पर कि ये जो इक्वल नहीं है मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, इसको देख करके एक नई कंसेप्ट का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन का नाम ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्या है ये, पूरी कहानी समझेंगे। इसका कहना है, इसका कहना है कि अकॉर्डिंग टू जूल, जूल एक साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू जूल इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, ये शॉर्ट में लिखा हूं, पूरा लिख लेना ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हाँ उल्टा भी पॉसिबल, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये नहीं कि इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100% पॉसिबल नहीं है कन्वर्जन करना, यहाँ 100% पॉसिबल है ठीक है, क्योंकि इधर जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ लॉस हो जाती है। ओके, और भी बहुत से रीजन है जो आपको आगे आगे पता चलेंगे आगे की क्लासेस में, मतलब आगे आने वाले चैप्टर में 11 12th की। चलिए, अब इसमें इसका कहना था कि जो आपने वर्क डन किया है, यानी कि इसमें रेशियो ऑफ द वर्क डन, रेशियो ऑफ वर्क डन W टू हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड Q इज कांस्टेंट, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ऐसा उसने कहा, लेकिन कंडीशन क्या थी, प्रोवाइडेड नो लॉस, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हीट जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कंडीशन है नो वेस्टेज, ठीक है। अब इसको तो समझेंगे तब मजा आएगा, क्या है ये, इसका कहना ये था कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब W, हीट जो प्रोड्यूस होती है Q, तो W अपॉन Q ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बस यही हमें समझना था, W क्या है मैकेनिकल एनर्जी है, Q क्या है हीट प्रोड्यूस्ड है। चलिए, इसे मैकेनिकल वर्क कह सकते हो या एनर्जी कह सकते हो, बहुत बढ़िया। Q को क्या कहेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड कहेंगे, ओके, और इस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, आएगा ये उसी तरह से जैसे हमारे करण अर्जुन आएंगे उसी तरह से कांस्टेंट भी आएगा, तो इसका नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ओके। तो ये फॉर्मूला है जो हमें दिमाग में छाप लेना है, ओके। अब इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है फिक्स, इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 4.2 जूल पर कैलोरी,
ये स्मॉल सी है, मैं हर जगह स्मॉल सी ही यूज करूंगा, वो एक बार बता दिया कैपिटल सी वाला काफी, उसे यूज नहीं कर रहे कहीं पर, ठीक है। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है। ओके, अब इस कांस्टेंट का सिंबल क्या है ये भी बता दो। डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू जे, जे इसका सिंबल है, ठीक है, जे इसका क्या है, सिंबल है। ओके, तो इफ जे इज इक्वल टू वन, इफ जे इक्वल टू वन यानी कि जे कितना है, जे तो जे है 4.2, सॉरी यहां लिख देते हैं, है ना, ये लिख लीजिए, तो J इक्वल टू वैल्यू क्या है, 4.2 जूल अपॉन कैलोरी। इफ J इज इक्वल टू 1, इफ मान लिया कांस्टेंट है, मान सकते हो क्या है, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.2 जूल अपॉन कैलोरी। ये कैलोरी के उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये वही है जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कोई नई बात नहीं। इसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि W अपॉन Q इज इक्वल टू क्या था, J था, ये J क्या ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्या कहते हैं आप लोग, नहीं ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कांस्टेंट है और इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, सो इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स जस्ट ए कन्वर्जन फैक्टर, ओके, जस्ट ए कन्वर्जन फैक्टर ओनली। चलिए ये हुई बात इसकी। अब एक सवाल कर लेते हैं, हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ हीट विल अप्रोक्सीमेटली, सवाल हाउ मच हीट, हाउ मच कैलोरीज ऑफ हीट विल, कैलोरीज ऑफ हीट विल अप्रोक्सीमेटली बी डेवलप्ड, अप्रोक्सीमेटली बी डेवलप्ड बाय ए, बी डेवलप्ड by a 210 watt bulb in 5 minutes. बहुत ही खतरनाक सवाल दिया है कि नहीं, देखो क्या कितनी कैलोरी हमें मिलेगी किसकी, हीट की, तो हीट हमें निकालनी है, यानी कि we have to find Q. Okay, टारगेट पता चल गया, will approximately किसके द्वारा, 210 watt का एक बल्ब है तो पावर दिया है कितना, 210 watt bulb. Okay. और टाइम कितना दिया है, 5 मिनट अगर तक ये बल्ब जलता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, होता है ना कि बल्ब आप स्टार्ट कीजिए और 10-15 मिनट या आधा घंटे के बाद उसे टच कीजिए, गर्म लगता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है, कितनी हीट जनरेट करता है, विच वी कैन कैलकुलेट। तो देखिए तो क्या करें, ये ऐसा है, देखो एनर्जी फाइंड करनी है, हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, पहले पावर दिया है, टाइम दिया है, पावर दिया है और टाइम दिया, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम, सही है, पावर कितना है 210 है, टाइम कितना 5 मिनट है, मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी, फाइनल आंसर बता देता हूं, 63 × 10 की पावर 5 जूल, है ना, क्योंकि वर्क डन है तो वही क्या है, एनर्जी। चलिए लेकिन ये पूछा है आंसर किस में, कैलोरी में, तो जूल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कैलोरी के अंदर, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.2 जूल, जूल को अगर कन्वर्ट करना है कैलोरी के अंदर तो क्या करूंगा, 1 अपॉन 4.2 कैलोरी इज इक्वल टू 1 जूल, यानी कि जूल को कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर दो, सो 63 × 10 की पावर 5 अपॉन 4.2, सो फाइनल आंसर विल बी 15 किलो कैलोरी। देख लेना यही आता है कि नहीं आता तो मुझे बता देना, करेक्शन जो भी होगा करेंगे। चलिए अगला आता है अपने पास क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
अगला हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो आराम से समझेंगे इसे, कोई जल्दबाजी नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, चलिए क्या कहना है इसमें कि मान लीजिए एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसके लिए जिसका मास चाहे कितना भी हो, कितना भी हो, 1 kg, 2 kg, 50 kg, 100 kg, 1000 kg, डोंट, हमें बात करनी 1 ग्राम के लिए। सो इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक, जिसका टेम्परेचर अभी है 50 डिग्री सेल्सियस, अब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मुझे बढ़ाना है तो मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना 1 डिग्री सेल्सियस में, तो जो हीट रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम इज नोन एज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, स्मॉल सी ओनली, ओके, ओनली स्मॉल सी। सो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए बॉडी ऑफ मास, ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो आप देख रहे होंगे हम ग्राम में बातें कर रहे हैं, है ना, तो बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही उसी में करेंगे, ठीक है, उसी के लिए हमने डिफाइन की चीज़ों को। चलिए तो 1 ग्राम मास का बॉडी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो ये अब स्टैंडर्ड बात कर लेते हैं कि एक बॉडी है, मास एम है, मास एम है, उसके 1 ग्राम का ही टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके 1 ग्राम का ही बढ़ाना है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर मान लो टी आई है, टी इनिशियल, ठीक है, टी फाइनल, ओके, तो मुझे बताओ डेल्टा टी क्या आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी होती, ठीक है, वो समझ में आया, चलिए इसे छोड़िए, यहाँ पर हम कहेंगे इसे इनिशियल टेम्परेचर, इसे कहेंगे फाइनल टेम्परेचर, ओके। सो एम है यहाँ पर मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखो पहली बात, ये 1 ग्राम से डिफाइन होती है, इसलिए इसे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर सिंपली ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लो, लिखना चाहो तो, ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पर सिंपली इसे स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और स्पेसिफिक हीट ओनली, तो तीनों नाम सेम ही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहो या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहो या सिंपली स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल ऑफ द बॉडी, ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी, करेक्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q क्या है, हीट जो रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तो C का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो यहां से C क्या आ जाएगा, Q अपॉन एम डेल्टा टी, कहां से आया फॉर्मूला उस पर हमें नहीं जाना, भी अभी क्या लिखते रहना है कि हाँ अगर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम का टेम्परेचर, 1 ग्राम मास की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसे ऐसा कहें, ठीक है, ओके। अब देखो सी यानी कि स्पेसिफिक हीट है, ये बढ़ेगा अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ता है इफ टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस, ओके। दूसरा सी यानी कि स्पेसिफिक हीट, इट डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ओके ठीक। दूसरा, ये जो सी है वो डिपेंड करता है, आल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा, इट डिपेंड्स ऑन फेज और स्टेट ऑफ ए सॉलिड, सो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ मटेरियल, स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, तो लिख लो इसे, स्टेट ऑफ सॉलिड कह सकते हो या फिर स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये हुई बहुत ही सिंपल से एक डेफिनेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की, किसके लिए, सी के लिए। अच्छा, ये एक डाउट है, क्या ये क्यू पर डिपेंड नहीं करता? नहीं करता, नहीं करता, ये इन्हीं तीन लोगों पर डिपेंड करता, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट है, ओके। मास तो कांस्टेंट रहने वाला है पर्टिकुलर बॉडी के लिए। चलिए, तो ये डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है आपको। डेफिनेशन वन कैलोरी में क्या था कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो इसे कहते हैं 1 कैलोरी। वहीं पर अगर किसी बॉडी के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसे कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज गिवन बाय सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एम क्या है? कंप्लीट मास है बॉडी का, ठीक है, जबकि हमें बात करनी होती 1 ग्राम के लिए, ओके 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 ओके। चलिए, अब C इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है, तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं यूनिट की, ऐसा यूनिट की, Q यानी कि हीट है, हीट यानी कि एनर्जी है, एनर्जी यानी कि जूल है, और M यानी कि किलोग्राम है, और डेल्टा टी यानी कि केल्विन, डेल्टा टी यानी कि केल्विन हो गया। चलिए अगला, इसके अलावा अगर हम जूल के अलावा कुछ यूज करना चाहें तो That is the practical unit. क्या जाएगा? जूल की जगह कैलोरी, कैलोरी, किलोग्राम की जगह ग्राम, इंटू डिग्री सेल्सियस, इंटू डिग्री सेल्सियस, ओके। चलिए अब आगे, यहां से हम डायमेंशन लिख देते हैं, क्या जाएगा डायमेंशन, आ जाएगा यह इसका M1L2 जूल का, M1L2 T-2 किलोग्राम का M1 और केल्विन का K1, M1 से M1 कैंसिल, क्या जाएगा L2 T-2 K-1, ठीक है। यहां से भी लिखोगे तब भी वही आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या यूज करते हैं, θ-1, ठीक है, बता देते हैं, उससे भी क्लियर कर देते हैं, ऐसे झंझट होनी नहीं चाहिए दिमाग में। यहां से भी देखो, कैलोरी मतलब एनर्जी है, एनर्जी मतलब M1L2 T-2, यूनिट चेंज हो सकता है, डायमेंशन वही रहेगा, है ना, ग्राम इज M1, डिग्री सेल्सियस के लिए हम यूज करते हैं थीटा कई बार, ओके, क्योंकि केल्विन SI है, SI, तो L2 T-2 θ-1। और ये नीट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, आज के लेक्चर में जो भी हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे वो नीट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी भी गई है कई बार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए बताओ, वो बताओ, डायमेंशन वगैरह, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे डिपेंड करती है, तो आइए इसकी भी हम बात करते हैं, या उससे पहले एक सवाल हो जाए, सवाल कर लेते हैं, एक सवाल ये है, When 300 joule of heat is added, 300 joule of heat is added to, 300 joule is added to 25 gram of sample, of a sample of this material, of material. Temperature rises from
फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, जिसका मास है कितना 25 ग्राम, ओके 25 ग्राम, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है कर दिया। तो इतना करने में उसे हीट चाहिए कितनी, 300 जूल। तो हीट कितनी है अपने पास, हीट अपने पास है 300 जूल है। डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 45 माइनस 25 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। और मास कितना दिया है 25 ग्राम। देन फाइंड आउट सी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड सी यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी फाइंड करना है। आ जाएगा क्या, आ जाएगा कि सी इक्वल टू क्यू कितना 300 अपॉन एम, एम कितना 25 इंटू डेल्टा टी कितना 20। बस सॉल्व कर लो इसे, 30/50 सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आगे, आगे क्या है, आगे कुछ ऐसा है कि जो प्रॉपर्टीज लिखी है ना, किस पे किस पे डिपेंड करता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो C इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। फॉर 1 ग्राम मास का आपको टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। तो चलिए, पहला था कि C डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट सी है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सी जो है दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, ओके। जिसका एटॉमिक वेट जितना कम होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है कितना, 26 एटॉमिक मास यूनिट, ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, हाँ या ना पढ़ा। इसका होता है 63 एटॉमिक मास यूनिट, इससे समथिंग पॉइंट कुछ होगा, मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखे, ठीक है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो मुझे बताओ सबसे कम एटॉमिक वेट किसका, सबसे कम इसका है, तो सबसे ज़्यादा C किसका होगा, इसी का होगा। तो अगर सवाल पूछे बताओ भी सबसे ज़्यादा किसका, एल्यूमिनियम का, तो ऑर्डर लिखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन ऑफ सी ऑफ मरकरी। तो क्या ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। ये जो फॉर्मूला है इज वैलिड विथ फ्यू एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन हैं, लाइक एज कार्बन, कार्बन के केस में ये चीज़ें वैलिड नहीं है, और भी बहुत से एलिमेंट हैं, ठीक है, बहुत सी और भी एलिमेंट हैं जिनके रेस में ये वर्क नहीं करता। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर पर, वो तो हम बात कर चुके हैं, अगला सब्सटेंस पर भी हम बात कर चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पर। तो अब क्या बच गया, अब बहुत ही छोटी सी चीज़ बची है, वो क्या है, वो छोटी सी चीज़ ये है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एम डेल्टा टी। अब देखो इफ डेल्टा टी इज जीरो तो क्या आएगा, C इक्वल टू Q अपॉन एम इंटू जीरो, C इक्वल टू इन्फाइनाइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ गई, इन्फाइनाइट आ गई। चलिए इफ Q इक्वल टू जीरो, हीट ही जीरो है, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन एम डेल्टा टी, C इक्वल टू जीरो, यहाँ स्पेसिफिक हीट जीरो है, ठीक है। अब इसके लिए चर्चा करते हैं कि डेल्टा टी अगर जीरो है दैट मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, ओके।
यानी कि टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल, सही है। तो जब टेम्परेचर सेम है, यानी कि यहाँ पर जो बॉडी थी, यहाँ पर जो बॉडी थी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ। टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल था इसका अकॉर्डिंग, सही ना। तभी तो क्या रहेगा, सेम टेम्परेचर है, और सेम टेम्परेचर को हम कहते हैं आइसोथर्मल चेंज। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल चेंज कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं आइसोथर्मल चेंज। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आइसोथर्मल चेंज के बाद मुझे ये बताइए कि अगर हीट जीरो तो उसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक चेंज। क्या कहते हैं इसे? एडियाबेटिक चेंज। अभी केवल नाम याद रखना, ज़्यादा चिंता नहीं लीजिए, अभी ये केवल नाम याद रखना, ओके। अब c इक्वल टू इन्फाइनाइट आना या ये चीज़ जो आई है, तो उसमें एक खास बात है, क्या? दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज इन्फाइनाइट। क्या है इसका मतलब? देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट और आइसोथर्मल, यू कैन से, ठीक है। तो आइसोथर्मल लिख चुके हैं। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज इन्फाइनाइट। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो एक आइसोथर्मल चेंज होता है। कैसे? देखिए, टेम्परेचर सेम रहता, मतलब जैसे एक वाटर है, टैंक है, कंटेनर में वाटर लिया, इसको मैंने थोड़ा सा एक टेम्परेचर दिया T1, हीट मिली, वाटर बॉयल करना स्टार्ट हुआ, तो बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया, और T2 जो है, मान लो T1 था कितना, 50 डिग्री सेल्सियस था, और ये मैंने कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना, तो अभी भी ये बॉयल हो रहा था, लेकिन बॉयल होने पर फिर भी टेम्परेचर क्या, 100 ही है, तो टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा, तो क्या होगा, आइसोथर्मल, ओके। तो ये चीज़ें थी, आइसोथर्मल की चीज़ें थी। चलिए, अब आगे की कहानी क्या है, आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैन बी नेगेटिव, स्पेसिफिक हीट कैन बी नेगेटिव, मतलब ये सी कैन बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो समझते हैं। जैसे 1 ग्राम बॉडी है, बॉडी के 1 ग्राम मास की हम बात कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, नो डाउट बढ़ा, है ना, 1 ग्राम बॉडी। इसमें मुझे हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हीट अगर देनी पड़ रही है, मतलब क्या है, सी इज पॉजिटिव, स्पेसिफिक हीट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर सी नेगेटिव है, मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे हीट निकालनी पड़ेगी, ओके। सो सी इज नेगेटिव मीन्स वी नीड टू विड्रॉल द हीट एनर्जी, मीन्स वी नीड टू विड्रॉल द एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर लिखिए, ओके। चलिए, अब हम काफी नजदीक पहुंच गए खत्म होने के कगार पर अपना लेक्चर। अगला पॉइंट यह है, इसी में अभी कंटिन्यू है ना, C इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ऐसा होता है। अब जो C का मेजरमेंट है स्टूडेंट, C का जो मेजरमेंट है
कुछ कंडीशंस पर हम करते हैं कि ये जो मेजरमेंट हम करेंगे वो कुछ कंडीशंस पर करेंगे। क्या? या तो हम एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं, या तो ये मेजरमेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाता है, या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो इसे सी नहीं कहकर के क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। सीपी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ओके, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसे हम सीवी कहेंगे, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीजें भी काफी काम में आएगी अपने। ओके, लिख लीजिए इसे भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी। उससे पहले C हमने पढ़ लिया, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एम डेल्टा टी होता है फॉर वन ग्राम, फॉर ग्राम, वन ग्राम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, चलिए अब इसमें खास बात भी याद रखना कि C ऑफ फॉर वाटर यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ऑफ वाटर ये फिक्स है, इसे याद रखना है और हर जगह यूज भी होगा। C फॉर वाटर यानी कि C ऑफ W इज इक्वल टू वन ग्राम, सॉरी वन कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। बस यही। अगला, अब छोटी छोटी डेफिनेशन खत्म है बस, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है ये देखिए। अभी हमारे पास क्या था, वन ग्राम था बॉडी का, अब वन मोल है, यानी कि इफ वन मोल ऑफ ए बॉडी इज प्रोवाइडेड देन एक मोल बॉडी का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है उसी को क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान, मास की जगह अब मोल आ जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब मास था यहाँ पर पहले, मास नहीं रहेगा, अब क्या आ जाएगा, लेट से म्यू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स। ठीक है, कि कितने मोल हैं टोटल, उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, चलिए इसका जूल रहेगा एसआई में, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या आ जाएगा, जूल को लिख देंगे कैलोरी, मोल को तो मोल ही रहेंगे, और केल्विन को लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, चलो कैलोरी को क्या लिख सकता हूँ प्यार बच्चों, एम वन एल टू टी माइनस टू, मोल को मोल ही रहने दो, इट्स एसआई यूनिट, है ना। चलिए कन्फ्यूजन ना हो, आपको यहीं से बता देते एसआई वाले से। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, जूल एम वन एल टू टी माइनस टू, मोल क्या है, मोल मोल ही रहेगा, केल्विन का के। ठीक है, तो एम वन एल टू टी माइनस टू, मोल माइनस वन, के माइनस वन। ठीक, तो इन शॉर्ट के की जगह कई बार थीटा भी यूज करते हैं, डजेंट मैटर। ओके, यू कैन यूज थीटा इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज। ओके, तो ये था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वन कैलोरी में क्या था कि एक ग्राम वाटर, एक और ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, वन ग्राम ऑफ ए बॉडी, इसमें क्या है वन मोल, एक मोल के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, और सेकंड लास्ट इट्स थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो मोलर क्या आ जाएगा, मोलर आ जाएगा अपने पास पहला, ये मोलर आ जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। ठीक है, न्यूमेरिकल लेंगे, डोंट वरी। अगला है थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो, फॉर वन ग्राम ऑफ ए बॉडी, फॉर वन ग्राम ऑफ बॉडी सी इक्वल टू कितना था, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। 2 ग्राम के लिए कितना होगा, C इक्वल टू टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। फॉर m ग्राम कंप्लीट,
इसी को क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझाते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ द यूनिट मास इफ वी कंसिडर द होल बॉडी, ओके, सो मास ऑफ होल बॉडी इज कंसिडर्ड, बस इतना ही लिख देना है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। जूल पर केल्विन क्या आ जाएगा, m1 l2 t-2, थीटा माइनस वन या k-1, करेक्ट। चलिए अब एक चर्चा और, लास्ट की चर्चा। देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट कुछ ऐसा है कि एक m मास की एक बॉडी है जिसको q हीट दिया, टेम्परेचर डेल्टा t है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, q अपॉन m डेल्टा t, करेक्ट। चलिए फिर हमने कहा कि भाई ये तो था किसके लिए, फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए जो c होगा वो होगा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर m ग्राम के लिए हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू q अपॉन m डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाई m, सही है, एम से एम कट जाता है, इसी को हम क्या कहते थे, थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, ओके। यानी कि थर्मल कैपेसिटी क्या है, m इंटू सी है, अरे ये m इंटू सी कर दो तो यही तो थर्मल कैपेसिटी है, कैसे देखो, m इंटू सी क्या था, q अपॉन m डेल्टा t, तो q अपॉन डेल्टा t, यानी कि m इंटू सी करेंगे तो थर्मल कैपेसिटी मिलेगा। चलिए ये सारी बातें हुई, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन q इक्वल टू एम सी डेल्टा t होता है इन जनरल स्पेसिफिक हीट, ओके। इफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। क्या है इसका मतलब, देखिए ये जो घटना थी वो किसी एक बॉडी के लिए था, ठीक है, यही घटना हम वाटर के लिए दोहरा देते हैं। मान लो बॉडी था यहां पर जिसका मास क्या था, m ग्राम, तो यहां पर हम वाटर ले लेते हैं w ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। c है यहां पर बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, यहां c है किसका, वाटर का, cw, ओके। और डेल्टा t यहां पर भी है, डेल्टा t यहां पर भी है। अब मुझे बताओ q यहां पर कितना आएगा और यहां पर कितना आएगा, यहाँ आएगा q m c डेल्टा t, यहाँ पर q कितना आएगा, यहाँ मास की जगह क्या आ जाएगा, w ग्राम इंटू c ऑफ वाटर इंटू डेल्टा t। c ऑफ w कितना होता है, w यानी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये है वैल्यू 1 w इंटू 1 इंटू डेल्टा t, यानी कि q इक्वल टू W डेल्टा t। ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों लेफ्ट साइड में Q और Q है तो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी तो क्या जाएगा, देखते हैं क्या आता, क्या किस्मत है इसकी। सो एम सी डेल्टा t इज इक्वल टू W डेल्टा t, तो W इक्वल टू कितना आ गया अभी, एम सी। तो अब डेफिनेशन पढ़ो, इफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, क्या ये थर्मल कैपेसिटी है क्या, हाँ है, क्यों, क्योंकि m इंटू सी, इसे क्या लिखेंगे, m डेल्टा t, हाँ ये थर्मल कैपेसिटी है। इफ द थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर, ये क्या है, मास ऑफ वाटर है, देन इट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, बस मजेदार डेफिनेशन है कि नहीं, और ये मास है तो मास है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m1, हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं, ये सवाल करते हैं, मजेदार है, इससे आपके सारे डाउट आज के लेक्चर के कंप्लीट। क्या है देखें, ए सर्टेन सब्सटेंस हैज ए मास ऑफ 50 ग्राम पर मोल, तो एक सब्सटेंस है जो 50 ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल का मतलब क्या है वो समझते हैं, हमें पता है मोल इक्वल टू क्या होता है,
गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कैपिटल एम, यहां से मोलर मास क्या आएगा, स्मॉल एम अपॉन मोल, सही है। तो उसने दिया है ना 50 ग्राम पर मोल, यानी कि ये दिया है मोलर मास दिया है 50 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये पहचाना हमने। नेक्स्ट, हीट इज एडेड 300 जूल, पहली बात होगी मास की, मोलर मास की। व्हेन 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ सैंपल, इसके 25 ग्राम सैंपल को हमने हीट दी कितनी 300 जूल, देन इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम इतना इतना, ठीक है। चलिए तो पहले दो लाइनें मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं मोलर मास वाला लिख दूँ। तो मोलर मास इज गिवन, मोलर मास कैपिटल एम इज इक्वल टू 50 ग्राम पर मोल, ओके। अब सवाल करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, फाइंड आउट द थर्मल कैपेसिटी इफ क्यू इज इक्वल टू कितना 300 जूल, इफ मास इज 25 ग्राम और डेल्टा टी इज 45 माइनस 25 इज 20 डिग्री सेल्सियस। याद रहे, अगर आप एनर्जी जूल में लेते हैं तो मास को किलोग्राम में लेंगे, अगर आप एनर्जी कैलोरी में लेते हैं तो मास आप ग्राम में ले सकते हो। यहाँ जूल में है तो मास को मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ किलोग्राम में, तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किलोग्राम में आ गया, क्योंकि जूल ऐसा ही है, किलोग्राम भी ऐसा ही यूनिट है। नाउ कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला कौन सा है, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, ये है वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें लगाना है थर्मल, थर्मल वाला ये रहा, थर्मल वाला ही फाइंड करना है, तो थर्मल लगाते हैं। सी टी लिखा है, टी फॉर थर्मल, एम फॉर मोलर, ठीक है। और सिंपल सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस यूज किया है, यूं ही बुक में नहीं आता है स्टैंडर्डाइजेशन। सो सी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू कितना भैया 300, डेल्टा टी कितना भैया 20, ये लो 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अपना ये आंसर आ गया भैया 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये थर्मल कैपेसिटी, ठीक, ये यूज हो गया। सेकंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना करते हैं, इसे भी करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये रहा, C इक्वल टू सेकेंड वाला कर रहे हैं, Q अपॉन m डेल्टा, सेकेंड वाला ये है फॉर्मूला, फर्स्ट है ना, m डेल्टा t। Q कितना है 300 अपॉन m, m क्या है, m मास है और क्या है, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर देते हैं, किलोग्राम रखना था, अभी जो पिछले लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया वहाँ पर भी किलोग्राम ही रखना, ठीक है। इनटू डेल्टा टी 20, इसको सोल्व कर लेंगे देन यू विल फाइंड द आंसर कितना आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम्स आउट टू बी, चलिए करवा देते हैं, 30 इंटू ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर गया, 10 की पावर 3 ऊपर हो गया, 25 इंटू 2 50, ठीक है, क्या आ जाएगा 3000, 3000 अपॉन 5, 600 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यूनिट का खास याद रखना, दिख रहा है कि नहीं, यूनिट देखता हूँ मैं, दिख रहा है, चेल की निगाहों की तरह दिख रहा है, आप ना नहीं कह सकते। 600 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तीसरा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए सी इक्वल टू सी मोलर इज इक्वल टू क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, ये पता है 300 डेल्टा टी, ये पता है, लेकिन मोल नहीं पता है ना, लेकिन मोलर मास पता है। मोलर मास पता है तो क्या करेंगे, देखो, मोलर मास इज इक्वल टू 50 ग्राम पर मोल, ऐसा गिवन है,
सही है, ये मोलर मास है, सही है। और मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल यानी कि म्यू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m अपॉन म्यू, ठीक है। तो स्मॉल m अपॉन म्यू, ये मिटा ही देते हैं ना भैया, ऊपर कर देते हैं, इतना क्यों चिंता करते हैं। देखो मोलर मास दिया है कितना, 50 ग्राम पर मोल। मोलर मास को मैं लिख सकता हूँ क्या, गिवन मास अपॉन मोल। ओके एम कितना है, गिवन मास 25 है, सो 25 ग्राम अपॉन म्यू इज इक्वल टू 50 ग्राम पर मोल। चलिए अब यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा यहाँ से 25 ग्राम अपॉन 50 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू म्यू, ग्राम से ग्राम कटा 1/2 यानी कि 0.5 मोल इज इक्वल टू म्यू, म्यू यानी कितना आ गया 0.5 मोल आ गया। तो यहाँ 0.5 रख देंगे, सॉल्व कर लो, मिटा दें से, तो C मोलर Q अपॉन म्यू डेल्टा T, ये है 300, म्यू कितना 0.5, ये कितना 20, कट गया ये ऊपर 10 चला गया, कट गया ये, तो 300 अपॉन 10, इट्स कम्स आउट टू बी 30 जूल। लेट मी कंफर्म द आंसर, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, जी हाँ ये सही है, 30, ये आंसर आता है आपका 30 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट क्या भैया, एम इंटू सी वाटर इक्विवेलेंट, एम कितना 25 ग्राम इंटू सी कितना, सी 600 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ किलोग्राम में था, ये ग्राम में, फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटू 600, अब बस आंसर आएगा किस में, ग्राम, किलोग्राम में, करेक्ट। चलिए तो कितना आ जाएगा ये, 10^-3, 10^2, 25 इंटू 6 साथ में लिख दिया, 10^-3, 10^2, 10^-1, ये हो गया 25 इंटू 6, 150, 10^-1 यानी कि नीचे चला गया 15 केजी। तो देखो क्या थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली इक्वल है क्या, यस। तो इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, किसके साथ, दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू 15 है, इसकी भी वैल्यू 15 है, बोथ आर इक्वल, न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट एंड थर्मल कैपेसिटी आर इक्वल, यूनिट वाइज नहीं है, केवल न्यूमेरिकली, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, दैट्स इट। और इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, डाउट हो तो मुझे बताइए।